हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले जो मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है वो सबको पहले डिस्कस करते हैं, देन आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले लेक्चर कौन से 7th का होमवर्क है वो डिस्कस कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स वाला। कौन सा? ट्रू फॉल्स, ठीक है। वो मैं कल लास्ट लेक्चर में भूल गया था, आज कर लेते हैं। पहला था साइन थीटा बराबर 2। तो हमको पता है फर्स्ट क्या था, साइन थीटा बराबर 2। हमको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम कितनी होती है, -1। तो क्या ये साइन थीटा 2 हो सकता है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड था हम लोगों का कॉस थीटा बराबर -1। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच वेरी करती है ना। मतलब मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1000 था। भाई 1000 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच वैल्यू वेरी करती है, मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकता है टेन थीटा, है ना। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या देके रखा है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब भाई सेक थीटा इज इक्वल टू हाफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सेक थीटा या तो 1 से बड़ा होता है या तो -1 से छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर बात करते हैं फिफ्थ इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉसेक 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है। तो सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन सिक्स की बात कर लेते हैं। सिक्स क्या दे रखा है हम लोगों को, साइन थीटा इज इक्वल टू 1+√3। फॉल्स स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, 1+√3, रूट थ्री अप्रॉक्स 1.73, रैशनल नंबर है पर तभी भी 1.73, तो गलत स्टेटमेंट है, सीधी सी बात दिख रहा है हम लोगों को। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ हम लोगों का कॉस थीटा इज इक्वल टू 1-√3। ये भी फॉल्स है, क्योंकि 1-√3 क्या होगा, -1 से छोटा होगा, और हमारा कॉस थीटा -1 से +1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या देके रखा है, टेन थीटा बराबर √3+1 अपॉन में √3। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू ले सकता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमको समझ में आ गई होगी। तो एक काम करना, इसके बाद नोट करके एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, हम लोगों ने लिख रखा है पर इसको एक बार अच्छे से और लिख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो, साइन थीटा मैक्स, ऐसे करके अगर कर लिखने का मतलब क्या है, ऐसे अगर मैं लाइन साइन थीटा ऐसे करके लाइन मारूं, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। कॉस थीटा की भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है। सिमिलर टर्म पे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की -1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हम लोगों की, -1 होती है, ठीक है। ये हाँ बिल्कुल सही लिखा है, साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम 1-1, मिनिमम -1-1 होती है ना, ये हम लोगों को पता है। अब इसके बाद टेन थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी और मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइन, ठीक है। ये हो जाएगा, कॉसेक की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 या -1, मैक्सिमम नहीं करेगा एग्जिस्ट उस केस में भी। तो बताओ भाई, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा नोट करके। अगर अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि साइन थीटा मैक्सिमम 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा की तो बात कर लिया हम लोगों ने यहां पे, अब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की। किसकी बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें, तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी। क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, 0 होगी। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर साइन थीटा को स्क्वायर करें तो कितना होगा, 1 होगा। इसको स्क्वायर करें तो कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दोनों जगह 1 आ जाए। तो कभी भी हमारा जो स्क्वायर नंबर है क्या निगेटिव हो सकता है, क्या, कभी नहीं हो सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होगा, 1, एंड कॉस स्क्वायर थीटा मिनिमम कितना होगा आपका, -1 होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, ये काम की चीज रहती है, आगे यूज भी होगी, है ना, कि साइन स्क्वायर की मैक्सिमम 1 होती है, कॉस स्क्वायर की 1 होती है।
सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम कितनी होती है? जीरो, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव नंबर है ऑलवेज, तो वो कभी आपका जीरो नहीं हो सकता, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज हम लोगों की हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट जो होमवर्क है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड। हाँ, प्रूफ का एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था आई थिंक। बाकी चारों कर लिए थे। हाँ, बाकी चार कर लिए थे, चार किए थे कि नहीं किए? थर्ड देखते एक बार। वन प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये था। मल्टीप्लाई में क्या था? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर। राइट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास? सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों को सॉल्व करना था, है ना। तो काम करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या करते हैं एलएचएस उठा लीजिए। तो एलएचएस उठा लिया, अब एलएचएस में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे टर्म को ओपन कर दीजिए, क्योंकि साइन कॉस में चेंज करिएगा, एक ही बात है, कुछ करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े टर्म आएंगे। मैं काम करता हूं, सब ओपन कर देता हूं। तो ओपन करूंगा तो वन साइन से मल्टीप्लाई करके आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉट को जब साइन से करिएगा तो क्या आएगा? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास? केवल कॉस थीटा माइनस, यहां पे क्या बचेगा बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही बचेगा, क्योंकि कॉट क्या होता है आपका? कॉस अपॉन साइन, तो एक कॉस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? कॉस स्क्वायर, एंड हमारा जो नीचे कॉट का साइन नीचे जो आया था साइन डिनोमिनेटर में। अब आगे आ जाइए, प्लस टेन थीटा, टेन क्या होता है हमारा? साइन अपॉन कॉस, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा? केवल साइन थीटा बचेगा। तो देखिए साइन कॉस कॉस साइन उड़ गया, उड़ गया। और ये देखिए यहां पे वही आ रहा है, कॉस को ऊपर ले जाइए, साइन को नीचे ले आइए, तो सेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, साइन को ऊपर ले जाइए, कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था, यही आरएचएस है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, मैंने नहीं कराया था। सेक की पावर फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? टेन की पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों का क्वेश्चन था, है ना। तो देखो जैसे ही बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिए क्या लिख के रखा है, सेक की पावर फोर। अब सेक की पावर फोर थीटा, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सेक की पावर फोर थीटा, सेक की पावर फोर थीटा को लिख दिया वन प्लस टेन की पावर फोर थीटा। अरे भाई ये फॉर्मूला नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिख लीजिए ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एलएचएस उठाया है मैंने, क्या उठाया है एलएचएस, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को लिखिए वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए वन वन तो चल बसा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन की पावर फोर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। एक क्वेश्चन और था आई थिंक, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन था, कुछ मत करिएगा, जो भी दे रखा है। चलो एक बार बता ही देते हैं क्या क्वेश्चन था, एक बार मुझे एक बार देखने दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसको भी हम लोग बताते हैं। फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन था, हाँ रफ कर देते हैं, क्या क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा सेवन। जो वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा आपका सेवन, आंसर आएगा
तो जिसका भी आंसर आ गया हो वो उस चीज को लिख सकता है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन था हम लोगों का। हाँ, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, यही था। फिर हमारे पास था कॉट अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हम लोगों का क्वेश्चन था और बोला था वैल्यू निकालो उसकी। तो दिख रहा है भाई क्वेश्चन में डायरेक्टली एकदम चिल्ला चिल्ला के ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मेरे को ओपन करो, तो ओपन कर देते हैं। तो यहां से क्या आएगा, सॉरी यहां कॉट नहीं था, यहां कॉस होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा यही आएगा प्लस टू साइन अल्फा कॉसेक, तो टू बचेगा क्योंकि कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल। फिर अगला आ जाओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस टू, ये भी टू ही बचेगा। क्यों टू बचेगा भाई, दिख रहा है सेक को वन बाय कॉस, कॉस कॉस चल बसा। माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये और ये मिलके वन हो गया, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस सेक स्क्वायर को वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, अगेन टेन कॉट चल बसे। तो कितना आएगा आंसर, सेवन आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया हम लोगों का, सेवन आंसर आ गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नहीं, उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर का एक होमवर्क लिखते हैं जो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, वो होमवर्क लिखिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, होमवर्क है ये आपको जो व्हाट्सएप करना है मुझे, क्या होमवर्क है लिखिए। फर्स्ट फर्स्ट फाइंड एंगल 180 डिग्री थीटा 360 डिग्री फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए भाई दिमाग लगाना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में, जब दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छा ओपन होगा ये सब क्वेश्चन करके, बहुत अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर टू, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 45, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों का ट्रू फॉल्स है ये भी बताइएगा। थर्ड, थीटा बिलोंग्स टू 45 डिग्री टू 90 डिग्री, 45 को ओपन लगा लीजिए, देन कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, अगेन इट इज ट्रू और फॉल्स। फोर्थ, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री ग्रेटर देन 0, ट्रू फॉल्स, ये भी बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ, कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री लेस देन 0, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ये भी आपको बताना है भाई। इसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच। ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, सारे क्वेश्चन में थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है। ठीक है, 0 से 2 पाई है, एक जगह ओपन लगाना पड़ेगा, यहां ऊपर लगा देते हैं, 0 से 2 पाई है सारे क्वेश्चन में। जो भी इसके मैं सिक्स के सब पार्ट लिखूंगा तो हम लोगों को थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच देनी है। ठीक है, तो आया फर्स्ट इसका ए पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। बी पार्ट, टेन थीटा
इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, सी पार्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, डी पार्ट, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, ई पार्ट, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, एफ पार्ट, ई के बाद एफ ही आता है, हाँ एफ आता है, एफ पार्ट, एफ पार्ट इज टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री। ठीक है, बस इतनी रहेगा, ये आपका होमवर्क है जो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे फिर इस लेक्चर के बाद आप क्या करना, मुझे इसको व्हाट्सएप करना। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके फिर मुझे इसका सेंड करिएगा जो भी आपका आंसर आएगा, है ना। तो ये हमारा होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर दिमाग काफी ओपन होगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी। मैंने इसमें सब कुछ सारी चीजें पढ़ा के रखी है, सब कुछ आप, मैंने आपको बता के रखा है कि साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन थीटा क्या करता है, इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है हम लोगों का साइन थीटा, अगर किसी को थोड़ा हिंट होना चाहिए होगा तो याद रखिएगा साइन थीटा इंक्रीजिंग होता है, आपको टेबल से भी याद होगा, आपको टेबल से भी याद होगा कि हम 0 से 90 के बीच जाते थे, कहां जाते थे, 0 से 90 के बीच जाते थे, तो साइन क्या करता था, इंक्रीज करता था 0 से 90 के बीच, कॉस क्या करता था 0 से 90 के बीच डिक्रीज करता था, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती थी 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती थी 0, तो वो 1 से लेके 0 के बीच जा रहा था, और साइन कहां जा रहा था 0 से लेके 1 के बीच जा रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हिंट है, आप थोड़ा बहुत ट्राई करिए, बाकी आपको अच्छे से ट्राई करना है सारे क्वेश्चन एक बार, मैं अब इसको रफ करता हूं, देन हम लोग और क्वेश्चन करने जाते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए बराबर जेड, देन प्रूव दैट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ sec x प्लस टेन एक्स बराबर अल्फा, देन फाइंड sec x cos x tan x sin x। ठीक है, ये हम लोगों के दो क्वेश्चन है, पहले ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले वन की बात करते हैं, यहां पे दो क्वेश्चन पहले मैंने लिखा है, तो एक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन बोलना क्या चाहता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, अभी तो मैं केवल एक्स वाई जेड वेरिएबल के टर्म पे बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शायद तक एक्स की वैल्यू 2 हो जाए, वाई की वैल्यू 3 हो जाए, जेड की वैल्यू 5 हो जाए, या जेड की वैल्यू रूट 2 हो जाए। वैसे एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर बोलेगा कि केवल इसकी वैल्यू फाइंड करो, प्रूव डेट की जगह ये पार्ट हटा देगा, ये पार्ट हटा देगा, केवल इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तब कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए बराबर जेड। कभी भी अगर एक इक्वेशन दे रखा रहे, कभी भी एक इक्वेशन, जैसे ये केवल अभी एक इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है दूसरा इक्वेशन ये प्रूफ करो, ठीक है, कभी भी, तो क्या करो, जिस इक्वेशन को प्रूफ करना है या जिस इक्वेशन की वैल्यू, अभी तो प्रूफ के लिए साथ ही क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क भी लगा देता तो तभी भी स्टेप सेम होते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, जिसकी वैल्यू निकालने, जरूरी नहीं केवल कॉस और साइन में क्वेश्चन हो, टेन और कॉसेक में भी हो सकता है, कॉट और सेक में भी हो सकता है, तो वो सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी उसके तरीके से, अब हमको याद रखना चाहिए कि हमको एक प्रॉपर्टी ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो वो प्रॉपर्टी अभी हम लोग यूज करेंगे। और जब कॉट और कॉसेक आएगा तो वहां क्या पता होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वन होता है, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो भी चीज बनाना हो, क्रिएट करना पड़ेगा, चीजें क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं यहां पे साइन और कॉस दे रखा है तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और अगर यही यहां पे सेक और टेन दे रखा होता तो क्या करता, दो इक्वेशन के बीच माइनस करता। अब देखो क्या करना है, मैं बताता हूं,
एक्स कॉस ए प्लस जिसकी वैल्यू निकालनी है एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए, इसको एज्यूम कर लीजिए एस पी। क्या एज्यूम कर लिया इसको मैंने? पी के बराबर एज्यूम कर लिया, कर लिया। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया इक्वेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, अगर एक इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है वैल्यू फाइंड करो दूसरे इक्वेशन की, तो हमेशा हमारा यही स्टेप होगा कि एक इक्वेशन लिख लिया, दूसरे इक्वेशन को लिख लिया और दूसरे को मान लिया पी। अब क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर करिए प्लस दूसरे का स्क्वायर करिए। अब पूछा जाएगा सर आपने स्क्वायर ही क्यों किया, माइनस भी तो कर सकते थे। कर सकते थे भाई माइनस, पर क्वेश्चन में भी स्क्वायर की संभावना है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन। याद रखना साइन के सामने वेरिएबल सेम होना चाहिए, साइन और कॉस के सामने वेरिएबल अभी सेम बनेगा अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो। देखो स्क्वायर करो एक समय के लिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई साइन ए कॉस ए। ये तो आ गया पहले वाले का पार्ट प्लस सेकेंड वाले का पार्ट। क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई साइन ए कॉस ए। ये तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका एलएचएस लिया, इसका एलएचएस लिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब आरएचएस की बारी आ गई, तो आरएचएस में क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या चल बसा, ये और ये तो उड़ गए एक दूसरे से, उड़ गए। अब देखिए ये और ये टर्म लीजिए, तो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा, बचेगा। फिर आगे आइए अगेन, अब दूसरा वाई स्क्वायर में लिख लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया आपका वन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया वन, और जेड को ले आइए लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहां से पी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को यही चीज करनी थी, है ना। अब यहीं पे अगर sec और tan होता तो मैं माइनस करता, क्यों माइनस करता, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वन होता है, और cot और cosec होता तभी भी माइनस करते, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर टू दे रखा है। देखिए मैंने इसके लिए एक बताया था, वैसे मैंने इसका आपको सॉल्यूशन लिख के भेज दिया है, तभी भी इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं जिसको समझ में नहीं आएगा। sec x प्लस tan x बराबर क्या है, अल्फा है, है? तो मैंने बताया था कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों ने यह पढ़ा था, क्या पढ़ा था, sec स्क्वायर रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec x माइनस tan x, फिर sec x प्लस tan x इज इक्वल टू वन, यही आएगा। अब देख लीजिए भाई इसकी वैल्यू पता है तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा sec x माइनस tan x बराबर वन अपॉन अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sec x माइनस tan x बराबर वन अपॉन अल्फा आ जाएगा। ये आपको यहां तक पता समझ में आ गया होगा, रख दीजिए अब इस चीज को, तो sec x माइनस tan x बराबर वन अपॉन अल्फा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 sec x बराबर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, तो sec x बराबर क्या आ जाएगा 1 बाय 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा। अब एक बार अगर मेरे को tan निकालना है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा तो क्या आएगा 2 tan x, ये कैसे आया दोनों को प्लस करके, अब ये वाला कैसे आएगा दोनों को माइनस करके, तो 2 tan x अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, तो tan x कितना आ जाएगा हम लोगों का 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, यही आएगा। अब इसका यूज करके अब sec पता है, sec पता है तो cosec आ जाएगा, ठीक है। तो cosec के लिए क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो पहले LCM LCM थोड़ा ले लीजिए, तो sec x बराबर LCM लीजिएगा तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 बाय 2, 2 नीचे आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा, तो यहां से हमारे पास cos x कितना आ जाएगा 2 अल्फा
अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ये आ गया हम लोगों का पहला पार्ट, कॉस आ गया, हाँ कॉस आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया। साइन कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं, टेन को लिखिए साइन अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू वहां रख देना, अपने आप आ जाएगी। देख लो अगर जिसकी को समझ में ना आए तो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम ले लीजिए यहां पे भी, तो वन बाय टू अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा, टू को भी मैं अंदर लिख देता हूं ऐसे, कॉस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन एक्स बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस वन टू अल्फा, यही आएगा। अब देखिए यहां से कॉस एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस एक्स की वैल्यू पता है, वैल्यू रख दीजिए, तो टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन, अल्फा अल्फा ये कैंसिल, तो हमारे पास साइन एक्स क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रफ कर देते हैं, ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मैं क्लास में लूंगा समझाने के लिए, तो ये क्लास वाला क्वेश्चन है, सेक एक्स अल्फा प्लस वन अपॉन फोर अल्फा, ये दे रखा है, देन प्रूव दैट सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टू अल्फा और वन अपॉन टू अल्फा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। क्या एक तरीका है, पहले हम लोग ये देखते हैं, एक तरीका तो बहुत सिंपल तरीका पता है कि sec x पता है, तो चलो वो तरीका भी देख लेते हैं, दोनों मेथड मैं बता देता हूं आपको, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, यही होता है ना, तो हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, रख दीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस वन अपॉन फोर अल्फा का स्क्वायर माइनस वन, ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटीन अल्फा स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, प्लस हाफ बचेगा केवल, क्योंकि टू होगा तो टू से एक फोर चला जाएगा, तो इतनी बचेगा माइनस वन, तो ये आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटीन अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ, यही आएगा। चलिए अब यहां पे इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटीन अल्फा स्क्वायर माइनस हाफ, यही आएगा। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकता हूं, अभी के लिए ये वाला टर्म जब sec की वैल्यू का ये होल स्क्वायर था, है ना, तो tan के केस में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए क्या हो सकता है, मैंने क्या किया, यहां अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय 4 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा माइनस हाफ है ना, हम लोगों को कितनी लाना है, हमको देखिए क्या करना है, वैल्यू देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए अभी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा यहां पे क्वेश्चन में, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, हेलो, हाँ ठीक है बिल्कुल, देखिए यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया इस इक्वेशन पे, यहां पे ये देखिए अल्फा मैंने क्या किया, देखिए 1 बाय 2 है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, यहां पे हाफ है, यहां पे क्या है, हाफ है, तो मैंने क्या किया, 2 अल्फा इंटू 1 बाय 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी सेम चीज लिखी है, एक मिनट थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू 1 बाय 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम चीज लिखी अभी भी, क्योंकि 1 बाय 2 ही लिखा, 2 अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, पर देखिए यहां से क्या फायदा हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास बचा अल्फा इंटू 1 अपॉन 4 अल्फा बचा, देखिए अब किसका होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्योंकि मैं 16 अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं,
वन अपॉन फोर अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो क्या आया, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस वन अपॉन फोर अल्फा का होल स्क्वायर। तो टेन एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन फोर। अब देखिए ये कैसे आएगा, हमको ये भी देख लेते, चलो ये डायरेक्टली दिख रहा है टेन एक्स, रूट ले लिया तो प्लस माइनस अल्फा अपॉन वन अपॉन फोर अल्फा, ये आ गया। अब देखिए सेक पता है, सेक एक्स पता है, टेन एक्स पता है, तो एक काम करते हैं, एक बार पहले प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्लस वाला लिया, तो प्लस वाला यहां लिख दिया, तो sec x प्लस tan x, sec x की वैल्यू रख दीजिए तो अल्फा प्लस वन अपॉन फोर अल्फा। अब अगर प्लस वाला लोगों से क्या आएगा, प्लस अल्फा माइनस वन अपॉन फोर अल्फा, ये और ये कैंसिल, तो यहां से आ गया टू अल्फा आ गया। अब एक बार निगेटिव वाले से ओपन कर लीजिए, माइनस वाले से ओपन कर लीजिए, तो क्या आएगा, sec x प्लस tan x बराबर अल्फा प्लस वन अपॉन, माइनस वाला तो माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन फोर अल्फा, यही आएगा, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस अल्फा अल्फा उड़ गया, वन अपॉन टू अल्फा। देखिए यही प्रूफ करना था। तो एक तो हम लोगों का ये मेथड हो गया, ये है हम लोगों का मेथड नंबर वन, ये क्या हम लोगों का मेथड नंबर वन है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड नंबर टू की, मेथड नंबर टू, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, sec x दे रखा था, tan निकाल लिया। अब tan निकालने के लिए मैंने यहां होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्रिएट किया था यही, क्योंकि ये अल्फा दिख रहा था, मुझे समझ में आ रही थी कि 1 अपॉन 4 अल्फा टाइप की चीज अगर यहां पे 2ab में क्रिएट कर लूं तो वही चीज बन जाएगी, तो ये चीज मैंने यहां क्रिएट कर ली, फिर मैंने इसको आगे सॉल्व करके दोनों निकाल लिया। अब बात करते हैं मेथड टू की, देखिए मेथड टू क्या है, मेथड टू इज क्वाइट सिंपल, मतलब मेथड, दोनों मेथड सिंपल है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है उसमें हम थोड़ा दिमाग, देखिए हम लोगों को sec x plus tan x, यहां पे 1 upon 2 अल्फा है ना, मैंने याद है आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बोला था कि अगर एक इक्वेशन दे रखी हो और दूसरी इक्वेशन निकालनी हो या प्रूफ करना हो, क्योंकि यहां प्रूफ करना है, अगर मान लो इसी की वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को मान लेते हैं, sec x plus tan x को एज्यूम कर लिया मैंने p के बराबर, कर सकता हूं p के बराबर, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर ये है तो sec x माइनस tan x क्या होगा, 1 अपॉन 2, ये है मेथड 2, मेथड 1 पहले किए, मेथड 2। अब देखिए यहां से क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 sec x p plus 1 by p, यही आएगा। अब देखिए यहां पर, यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू रखनी है sec की, अब वैल्यू क्या करनी है हम लोगों की, sec x की वैल्यू रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, तो sec x की वैल्यू क्या है, 2 टाइम अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा बराबर p प्लस 1 अपॉन p, यही चाहिए। अब देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक, देखिए कैसे क्वाड्रेटिक, एलसीएम ले लीजिए पहले, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यही आएगा ना, पी स्क्वायर प्लस 1 क्या जाएगा, 2 टाइम अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा, अल्फा प्लस 4 अल्फा मल्टीप्लाई पी, यही आएगा, हाँ बिल्कुल यही आएगा हम लोगों का, कोई डाउट यहां तक, 2 भी है ना, हाँ 2 तो है, बिल्कुल सही। चलिए अब क्या करिए, देखिए पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा पी प्लस 1 बराबर 0। अब ये बन गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक, ये क्या बन गया हम लोगों का, क्वाड्रेटिक बन गया है, है ना। देखिए अब कैसे क्वाड्रेटिक बना, देख लीजिए सिंपल तो दिख रहा है कि हम लोगों का ये क्वाड्रेटिक ही है। अब कैसे सॉल्व करना है इस चीज को आगे देखते हैं, 2 sec x कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। देखिए अब हमको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक, यहां से क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी, क्या करनी है, पी की वैल्यू निकालनी, निकल जाएगा, देखिए 2 से अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा पी प्लस 1 बराबर 0। देखिए यहां पे मुझे ये चीज समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, देखिए या तो मैं इसको फॉर्मूला मेथड से निकाल लूं, फॉर्मूला मेथड से निकालेगा तभी भी सेम आएगा, या डायरेक्टली भी आप लोग, चलिए पहले काम करते हैं इसको फॉर्मूला मेथड से ही देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस बी
तो 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो 2 अल्फा प्लस 1 बाय 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, तो 4ac क्या जाएगा 4 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 यही आएगा। तो p बराबर क्या आ गया हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस माइनस, इसको ओपन करिए, इसको मैं अलग से करके बता रहा हूं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा, देखो ओपन करो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर यही बचेगा, हाँ बिल्कुल, नीचे 1 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 अल्फा कैंसिल और माइनस 2 सॉरी प्लस 2 माइनस 4, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। मैंने क्या किया, अब ये देखिए अगेन यहां पे मुझे a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बना लो, तो मैंने क्या किया 2 अल्फा और 1 अपॉन 2 अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अगेन कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट के अगेन 2 बचेगा, सेम बनना चाहिए, हम कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वही एक्सप्रेशन बचना चाहिए, तो दिख रहा मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बना 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको यहां लाके रख दो तो क्या आएगा 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, रूट को मोड के साथ हटा लो या नॉर्मली डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, तो यहां पे भी अगर मोड लिखोगे, चलो लिख देते हैं तभी भी, देखो तो क्या आएगा पी बराबर 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस माइनस मॉड 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 यही आएगा। एक बार इसको प्लस के साथ ओपन कर लो, एक बार इसको माइनस के साथ, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस दे रखा है तो मॉड का इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक बार प्लस के साथ लूंगा तो ये प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहेगा, फिर ऐसी करके लोगे तो ले देके वही चीज आएगी, तो एक बार जब आप इसको सॉल्व करोगे किसके साथ प्लस के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस के साथ पी बराबर 2 अल्फा आ जाएगा, और माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 अल्फा आ जाएगा, तो ये हम लोगों का दोनों मेथड से आंसर आ गया, वहां पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट लास्ट में दिख नहीं रहा है, तो जब प्लस से ऑन किया तो 2 अल्फा, माइनस से ऑन करोगे तो 1 अपॉन 2 अल्फा आ जाएगा, तो ये हम लोगों का यही जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो मैंने पूरा सॉल्व किया है ना, इसको चाहूं तो मैं थोड़े तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, देखो क्या ये जो पूरा फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए पी स्क्वायर माइनस, किसी को समझ में ये वाला पार्ट किसी को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो क्वाड्रेटिक ये वाला पार्ट जो भी लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं यहां से आगे ना सॉल्व करना, इतना मेहनत ना करना पड़े इसलिए यहां पे बता रहा हूं, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, ये समझ में ना आए तो चुपचाप इस पार्ट को छोड़ दिया, जब क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे दोबारा आके ये पार्ट को देख लेना, देखो क्या है, मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे देखता हूं पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू 1 अपॉन 2 अल्फा लिख सकता हूं। अब आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे पी भी है, पी मैं लिखना भूल गया, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो एक रूट क्या हम लोगों का 2 अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा 1 अपॉन 2 अल्फा, ये डायरेक्टली हो गया, तो यहां से p बराबर एक क्या आएगा 2 अल्फा और एक क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा आ जाएगा, ये कहां से लाया सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर आपको सम ऑफ द रूट्स दे रखा होता था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा होता था तो इक्वेशन कैसे निकालते थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहां पे ये समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन में काफी कुछ नया सीखने को मिला कि अगर हम लोगों को प्लस का होल स्क्वायर दे रखा हो तो माइनस का होल स्क्वायर कैसे बनाए, देन दो मेथड सीखा हम लोगों ने एंड लास्ट में ये वाली चीज सीखी, किसी को समझ में आया ये वाला पार्ट तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अभी छोड़ सकते हैं, बाद में हम लोग जो क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे इसके बाद आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। क्या बताया था ये चीज कि ये सम ऑफ द रूट्स लिखा है और ये प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो सेम तरीके से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट,
इसको अब हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है, अभी लास्ट आज थोड़ा सा एक चीज और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एलिमिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग इज एलिमिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग इज एलिमिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग इज एलिमिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एलिमिनेशन। इसमें लिखिएगा टू सॉल्व एन वेरिएबल्स, टू सॉल्व एन वेरिएबल्स, टू सॉल्व, पहला पॉइंट लिखिएगा टू सॉल्व एन वेरिएबल्स वी रिक्वायर्ड एन इक्वेशन, वी रिक्वायर्ड एन इक्वेशन, एन एन केवल ऐसे एन ना, टू सॉल्व एन वेरिएबल, टू सॉल्व एन वेरिएबल वी रिक्वायर्ड एन इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा टू एलिमिनेट, टू एलिमिनेट एन वेरिएबल्स, टू एलिमिनेट एन एन, यही अगेन एन वेरिएबल्स वी रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर्ड एन प्लस वन इक्वेशन, वी रिक्वायर्ड एन प्लस वन इक्वेशन, ठीक है। तो क्या मतलब है इस चीज का, हम लोग गौर से देखते हैं। देखिए क्या होता है, मान लो x प्लस वाई बराबर टू दे रखा है, x माइनस वाई बराबर थ्री, यहां कितने वेरिएबल है हम लोगों के, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल दे रखे हैं। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की रिक्वायर होती है, दो इक्वेशन की रिक्वायर होती है। पर मान लो मेरे को x और y एलिमिनेट करना है, क्या करना है, x और y एलिमिनेट करना है, तो मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये तीनों इक्वेशन का मैं यूज करके एक्स और वाई को क्या कर सकता हूं, एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एक्स और वाई को एलिमिनेट, एक्स और वाई को यहां से सॉल्व करूंगा, एक्स और वाई को यहां रख दूंगा, तो ये ए बी और पी के टर्म में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर हम लोगों को कभी भी एन वेरिएबल दे रखा है, कितने एन वेरिएबल, ठीक है, तो एन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एन इक्वेशन चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। और अगर उसी एन वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो हमेशा एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि पहले सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन से जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के जो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है उसमें लाके रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है एलिमिनेट, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर, एक्स बराबर टू प्लस कॉस थीटा, वाई बराबर थ्री माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए, अब ये यहां पे कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है ना। अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हटानी है, सॉरी थीटा को एलिमिनेट करना है, करना है एलिमिनेट। अब थीटा को देखिए, यहां से हमको दिख रहा है कि दो इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए होगा, है ना। वो इक्वेशन हमको अपने आप पता है, क्या इक्वेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है कि कुछ इक्वेशन तो हमको अपने आप पता होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, वन होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो काम करिए, पहले वाले कॉस निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा कितना आएगा, एक्स माइनस टू, यहां से साइन थीटा कितना आएगा, थ्री माइनस वाई, यही आएगा, रख दीजिए, सॉरी गलत लिख दिया, इसको यहां डाल दीजिए, इसको यहां डाल दीजिए, डाल दिया तो थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर वन आ जाएगा, एलिमिनेट हो गया थीटा, क्योंकि थीटा एलिमिनेट करना है ना, तो हो गया एलिमिनेट। क्या इस इक्वेशन में कहीं पे थीटा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, मतलब एलिमिनेशन सही हुआ। सेकेंड लिखिए, सेकेंड एक्स बराबर एक्स बाय टू बराबर साइन क्यूब थीटा, चलो एक टू एक्स कर लो, ठीक है, टू एक्स वन माइनस साइन क्यूब थीटा कर लो, और दूसरा कर लो थ्री वाई टू माइनस कॉस क्यूब थीटा कर लो। अगेन थीटा क्या करना है, एलिमिनेट करना है, अगेन थीटा क्या करना है, एलिमिनेट। कैसे होगा, अगेन फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, सॉल्व करो
यहां से क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस 2x। तो साइन थीटा कितना आएगा यहां से, 1 माइनस 2x की पावर 1/3। यही आएगा, यहां से सॉल्व करो तो यहां से भी यही आएगा, कॉस क्यूब थीटा बराबर 2 माइनस 3y। तो कॉस थीटा कितना आएगा, 2 माइनस 3y की पावर 1/3। अगेन इसको यहां डाला, इसको यहां पुट किया, कर दो तो 1 माइनस 2x की पावर, क्योंकि स्क्वायर है और क्यूब है तो 2 क्यूब रूट है, तो इतना आ जाएगा, यहां रख दीजिए तो 2 माइनस 3y की पावर 2/3 बराबर 1। यही क्या हो जाएगा, अगेन क्या इसमें थीटा लिखा नहीं, मतलब सही चीज दिल की रखी है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सब क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया अब, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन वाला पार्ट हो गया, इसके अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके और क्वेश्चंस करेंगे कैसे और मेथड होते हैं या क्या और तरीका होता है, बट एलिमिनेशन का इंट्रोडक्शन यही था, है ना। थर्ड ये आप लोग खुद से करिएगा, x बराबर tan क्यूब थीटा, y बराबर sec क्यूब थीटा, ठीक है। ये थर्ड है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी कुछ होमवर्क और है और ये भी होमवर्क, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम फॉलोइंग का पार्ट है ये, है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में आपने काफी कुछ सीखा होगा, एक क्वेश्चन था जो काफी लेंदी क्वेश्चन, मतलब लेंदी नहीं था, उसको हम लोगों ने केवल दो मेथड से किया, इस वजह से वो थोड़ा क्या किया, क्या लगा, टाइम लगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। पहले मेथड 1 सीखा और मेथड 2 भी फिर बाद में हम लोगों ने सीखा, उसमें मेथड 2 में भी बाद में हम लोगों ने एक शॉर्टकट भी सीखा था बाद में, कि अल्फा प्लस 2α + 1/2α दे रखा था, वही प्रोडक्ट दे सम ऑफ द रूट दे रखा था और वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा था, तो उसको डायरेक्टली हम लोग वहां से रूट्स लिख सकते थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये जो होमवर्क है कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग।